धीरे धीरे जिंदगी गुजरती जा रही है, हम लम्हा बलम्हा मौत के करीब आते जा रहे हैं। अनकरीब हमें अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा और बरोज कयामत जब उठाया जाएगा तो अल्लाह अज़्ज़वजल के मासूम फरिश्ते हमारे हाथ में किताब देकर कहेंगे, पढ़ अपना नामाए आमाल, आज इसको पढ़ने के लिए तू खुद ही काफ़ी है। ज़रा सोचिए हम अपनी किताब ज़िंदगी में क्या दर्ज कर रहे होंगे। जब आप कब्रिस्तान में जाते हैं और देखते हैं कि मुर्दे आराम कर रहे हैं, हर मुर्दे की ये ख्वाहिश होती है, एक काश मुझे एक ज़िंदगी और मिल जाती, साल दो साल पाँच साल का वक्त मिल जाता तो मैं नेक अमल करता और दुनिया में अच्छे काम करता और अल्लाह अज़्ज़वजल के नज़दीक तब आता तो मेरे पास कुछ अच्छे आमाल होते। याद रखिए आज हम जिंदा हैं, जो उनकी ख्वाहिशें हैं मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, और हम अपने आमाल कैसे कर रहे हैं, कैसे गुनाह में मुब्तिला हैं। आइए गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह अज़्ज़वजल जवानों की तौबा को कबूल करता है और पसंद करता है। जल्दी तौबा करें कि ऐ अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा और आइंदा गुनाहों से बाज आने की तौफीक अता फरमा।